नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। आज मैं कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, कई जगह इसको गुड़म्मा, आम की चटनी या फिर खट्टी मीठी अचार भी बोलते हैं। नाम अलग अलग होते हैं बट टेस्ट इसका सेम होता है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। फ्रेंड्स, इसको किसी भी पूड़ी पराठा के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है और बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आम ले लिए हैं। वजन से ये 300 ग्राम है। इसको मैंने छील के साफ करके ले लिया है। इसको आप मनचाहा शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबे स्लाइस में काटूंगी और ये जो आम है इसमें थोड़ी सी गुठली आ गई है। और इस तरह के आम का जो लौंजी है या फिर गुड़म्मा है वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये जो पल्प होता है ना वो पूरा मेल्ट नहीं होता है, पूरा पिघल नहीं जाता है गुड़ में जाके, पूरी उसकी चटनी नहीं बनती है। और ये गुठली के कारण जो है ना आम का पल्प उससे लगा रहता है, अलग नहीं होता है, तो इसका अलग ही मज़ा होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ही आम ले जिसमें हल्की सी गुठली आ गई हो, या फिर नहीं मिल रही है तो आप बिना गुठली का भी आम ले सकते हैं। और इसको मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे क्यूब्स में काट लें, अपने मनचाहा आकार में आप इसको काट लें। तो मैं सारे आम को इसी तरह से काट लेती हूँ और काटने के बाद मैं इसको यहाँ पे साफ करके ले ली हूँ। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया। इसमें 2 छोटे चम्मच तेल का डालेंगे, तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाले। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाले। तो मसालों में पहले डाला 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी जिसको मंगरेला भी बोलते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। ये जो अचार में मसाले होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ सरसों और मेथी को छोड़ के मैंने यहाँ पे 4 मसाले डाले हैं। और इसको बस ज़्यादा जलाना नहीं है, जस्ट एक बार स्टर करना है और फ्लेम को मीडियम रखेंगे तेल गर्म होने के बाद। अब यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच डाल दिया हींग। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेस्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसको जस्ट एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लोग जो आम काट के साफ करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको जस्ट 1/2 मिनट के लिए हम लोग इसमें स्टर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पकाना है हम लोगों को। बहुत झटपट बनने वाली अचार होती है फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन जाती है। और इस पे सबसे खासियत बात होती है कि इसको आप 6 महीने तक स्टोर करके खा सकते हो। अब इसमें मसाले डालेंगे, सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, बिल्कुल 1/4 चम्मच नमक लिया है और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। नमक बहुत ही कम यूज करेंगे इसमें। और लाल मिर्च मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च लिया है जो कि तीखा कम होता है। यदि आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप नॉर्मल वाला लाल मिर्च भी ले सकते हो। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ यूज किया। तो ये देखिए, इसको बस 1 मिनट तक हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ कितना क्वांटिटी में लेना है, यदि आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा लेंगे। मतलब जैसे हमने 300 ग्राम आम लिया है तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ही गुड़ लिया है बराबर मात्रा में। यदि आपका आम जो है बहुत ज़्यादा खट्टा है, टेस्ट करके देख ले शुरू में, तो आप थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। बाकी इक्वल क्वांटिटी में ले तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जो इसका टेस्ट होता है वो बैलेंस रहता है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा 5 मिनट में। तो ढक के हम लोग लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए सारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया। पानी का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यदि आप पानी डाल के गुड़म्मा बना रहे हो तो वो आपका ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहेगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में रखने के बाद भी ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है। और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। गुड़ मेल्ट होने के बाद जो आम से पानी रिलीज होता है उससे ये पक जाता है। तो हम 5 मिनट तक ढक ढक के इसको पका लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है फ्रेंड्स। बट अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। इस स्टेज पे क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पैचुला से इस तरह दबाते हुए थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ना मिक्स हो जाए उसमें, क्योंकि इसमें गुठली है ना तो बिल्कुल से आम अलग अलग हो रहा है। यदि गुठली नहीं रहेगी ना तो वो बिल्कुल से आम पक के उसमें मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाती है, बट गुठली के कारण ये थोड़ी अलग है। तो इसको थोड़ा सा दबा दबा के मिक्स कर लेंगे और टोटल ये 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैं यहाँ ढक्कन हटा रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे और गाढ़ा भी नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अभी गीली ज़रूर लग रही है बट ठंडा होने के बाद गुड़ जो है जमता है, गाढ़ा होता है।
तो यहाँ पे जो है इसका कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, तो ये परफेक्ट है। यहाँ गैस का फ्लेम बंद करते हो और यहाँ देखिए मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है, तो है ना झटपट वाली रेसिपी। सिर्फ 15 से 20 मिनट, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मसाले नहीं बनाने होते, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी, और कंटेनर आपका यदि कांच का है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मैं आप भर के इसको 6 से 8 महीने के लिए, बल्कि साल भर के लिए भी फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो ये देखिए हमारा चटपटा खट्टा मीठा तीखा नमकीन लॉन्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।